तो दोस्तों अब जो है कन्फ्यूज़न तो पहले दूर हो चुका है कि 420 क्वाटिलियन है सप्लाई या 840 क्वाटिलियन है। मैंने पूरा फुल एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो नहीं देखा लास्ट वीडियो जाके देख लेना हमारे चैनल पे है। आज हम बताएंगे दोस्तों और देखने वाले हैं कि अब आगे का प्रोसीजर क्या और अब आगे का बेबी रॉज कॉइन का प्लान क्या और पम्प कब तक आ सकता है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। पहली बार चैनल पे आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पहले क्रिप्टो के रेट की। जी दोस्तों, बिटकॉइन जो है $26,786 पे ट्रेड कर रहा है, $1,871 पे ट्रेड कर रहा है। मंथ की स्टार्ट हुई है, मंथ की शुरुआत जो है नेगेटिव के साथ देखने को मिला है और कहीं कहीं डंप के साथ देखने को मिला है। जी दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है आज 5 तारीख है और यहाँ पर डंपिंग देखने को मिला है। अगर बेबी डॉज कॉइन की बात करें तो यहाँ पर भी भैया 1875 पे आ चुका है। कहीं ना कहीं मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया 1000 या 1200-1100 का राउंड जाए ताकि मैं फिर से एक अच्छी खासी बाइंग करूँ। क्योंकि देख सकते हो भैया, जब ये कुकॉइन के ऊपर लिस्टिंग अनाउंसमेंट हुई थी तो 44 के रेंज में गया था, यानी 4 गुना प्रॉफिट वहाँ से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी अगर कोई बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ से भी डबल एक्स तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज़ क्या है कि अब आगे क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे व्यूअर थे, काफ़ी ऐसे फैंस थे दोस्तों जो कि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि भाई 840 क्वाटिलियन सप्लाई है, हम सबको उल्लू बना रहा है, फेक बर्न कर रहा है, कुछ नहीं होगा इसका। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न जो है दोस्तों ये दूर हो चुका है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये 840 क्वाटिलियन सप्लाई नहीं है, 420 क्वाटिलियन ही टोटल सप्लाई है। इस कन्फ्यूज़न को दूर होने के बाद अब जो है ना लोगों के अंदर, इसके होल्डर के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ गई है, कहीं ना कहीं अब फिर से एक भरोसा जाग रहा है। और इसको बुलाने के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी बेबी डॉज कॉइन एक बड़ी बर्निंग कर सकता है जो कि BSC चेन पे होने वाला है। और इसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं अगर बड़ी लिस्टिंग हो जाए तो फिर दोस्तों और भी ज्यादा यहां पर बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, ये चीजें हो सकती है और कहीं ना कहीं हम सबको एक अमेजिंग प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं नेक्स्ट बुल रैली के लिए। मुझे लगता है कि ये नया इतिहास रचेगा, नया रिकॉर्ड बना सकता है हमारा बेबी डॉज कॉइन, बशर्ते दोस्तों आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। जो लोग इसके अंदर इस सिचुएशन पे भी होल्ड कर रखे हैं ना, बेनिफिट फायदा उसी को मिलने वाला है। जो लोग पैनिक में आते हैं, पैनिक सेल आउट करते हैं, भाई उसका क्या हो सकता है आई डोंट नो, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आता है, न्यूजेज आती है, फेक न्यूजेज आती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जहाँ पर से दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये मार्केट के अंदर चलता रहता है, ये मार्केट का ही पार्ट है। जब तक हम डरेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रीडी नहीं होंगे, हम बाय नहीं करेंगे, काफ़ी चीज़ें होती है भाई, बाय सेल तभी तो लोग करते हैं, तभी तो प्रॉफिट और लॉस होता है। हमें ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा। हम तो ऑलरेडी बियर मार्केट फेस कर चुके हैं ना दोस्तों, लास्ट बियर मार्केट तो सबने लगभग देखा था। जी हाँ दोस्तों, जब से हमारा पॉपुलर हुआ है क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर, लास्ट बुल रैली से ही पॉपुलर हुआ है। उससे पहले अगर मैं बताऊँ, देखो बोलने में कोई भी बोल देगा कि हम 2017 से जान रहे हैं, 2018 से जान रहे हैं, बट कोई नहीं जान रहा है। बहुत कम गिने चुने यार यूट्यूबर्स थे। आप जाके देखो, कब से कौन वीडियो बना रहा है, जाके उसकी पुरानी वीडियो सर्च करो, कब कौन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला, उसकी यूट्यूब से ही पता चल जाएगा। जो MLM के बारे में पहले बताते थे वो आज क्रिप्टो के बारे में बताते हैं, बिकॉज ऑफ उसको खुद 2020 के बुल रैली में, 2000 अगर हम बात करें 2021-22 के में उसको भी, तो दोस्तों 2020-21 में उसको पता ही चला क्रिप्टो के बारे में, फिर वो बताना स्टार्ट किए। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो किसी और फील्ड से निकल के क्रिप्टो में आए, है ना, तो बोलने में कुछ भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है हमने एक बियर मार्केट देखा, एक बुल मार्केट देखा, बियर मार्केट जा भी रहा है, आप देख ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो सीखे ही होंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। बेबी डॉज कॉइन के होल्डर हो, आने वाला समय आपका होने वाला है, आने वाले नेक्स्ट बुल रैली के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इसके साथ जुड़ चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का आई थिंक यहाँ पर टैग इसके साथ जुड़ चुका है, होल्डर्स काफ़ी है, सब भरोसा करते हैं इसके ऊपर। बस हमें और आपको भी करना है होल्डिंग करके रखना दोस्तों, बहुत जल्दी इसकी लिस्टिंग और बर्निंग देखने को मिल सकती है। इस पर आपका क्या मानना है, क्या बड़ी लिस्टिंग हो सकती है या बर्निंग हो सकती है, जरूर हमसे कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे न्यूज के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कुछ करके टेलीग्राम चैनल मस्त जुड़िए, फॉलो करना, सिर्फ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट में आज की तरह आए, गुड बाय।